हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपने क्लास पूरी ली होगी और आपको समझ में आया होगा। तो आज हम उसके आगे स्टडी करेंगे। ये सब हम स्टडी कर चुके हैं लास्ट दो क्लास में। तो आज हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं, देखिए वो कैसे हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, प्रकार यहाँ पे आप मेनली चार पढ़ेंगे। नंबर वन, संयोजन अभिक्रिया। नंबर टू, वियोजन अभिक्रिया। नंबर तीन, विस्थापन अभिक्रिया। नंबर चार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अभी जब आप संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे तो संयोजन अभिक्रिया में हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में हम पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और उसके अलावा भी अन्य और प्रकार भी हम अपचयन उपचयन वगैरह भी पढ़ेंगे। तो मेनली आज की क्लास में हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन के अंदर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के अंदर ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में या 6 नंबर में पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताइए तथा सभी के एक एक या दो दो उदाहरण दीजिए। तो ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। तो हमारी हेडिंग है 1.2 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं में आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में हम चैप्टर 3 और 4 में पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन में नहीं बदलेगा, ऑक्सीजन सोडियम में नहीं बदलेगा, सोडियम सल्फर में नहीं बदलेगा, सल्फर नाइट्रोजन में नहीं बदलेगा। यानी कोई भी पदार्थ आपस में बदलते नहीं है, कोई भी तत्व जो हैं वो आपस में बदलते नहीं है। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में, परमाणुओं के बीच में बंध बना होता है, एक बॉन्ड बना होता है, जो बॉन्ड या तो टूटता है या जुड़ता है। जैसे कि आपने पढ़ा कि हमने सबसे पहली रिएक्शन पढ़ी थी मैग्नीशियम की, किसके साथ क्रिया हो रही थी, ऑक्सीजन के साथ, 2Mg की किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने आपस में क्या करी, क्रिया करी, क्रिया करके एक बंध बनाया, और इन दोनों के बंध से हमें यहाँ पे क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हुआ, दो चीज़ें मिली, क्या क्या मिली, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। यहाँ पे मैग्नीशियम आपका किसी और चीज़ में नहीं बदल गया, दो मैग्नीशियम पहले थे, बाद में भी दो ही मैग्नीशियम है, जितने परमाणुओं की संख्या पहले थी परमाणुओं की संख्या उतनी ही बाद में है। लेकिन केवल यहाँ पे क्या हुआ है कि दो तत्व आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, नए तत्वों का निर्माण कर रहे हैं। और कई बार यही दो तत्व क्या हो जाते हैं, यानी कि कई बार दो तत्व मिलकर नए तत्व का निर्माण करते हैं, या कई बार एक तत्व दो या दो से अधिक तत्वों में टूट जाता है, मतलब यौगिकों में टूट जाता है। तो ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, आगे समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो रही है और संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो आगे हमारा संयोजन अभिक्रिया, हमें क्या करना है, एक बीकर, तो देखिए बीकर का शेप आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, बीकर, जैसे कांच की ग्लास होती है, बस कांच के ग्लास की चौड़ाई कम होती है और बीकर की चौड़ाई क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये कहाँ पर यूज़ होता है, केमिस्ट्री लैब में।
तो हमें बीकर में क्या करना है, जल लेना है, जल बाद में लेना है। सबसे पहले बीकर में हमें क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप 1.4 में दिया है, एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड तथा नहीं है, यहाँ पे आपका क्या है, या, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना, नहीं बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे हुए चूने को ही कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे तथा लिख दिया था जो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। तो यहाँ पे तथा नहीं होगा, क्या होगा, या होगा। तो हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमें क्या करना है, थोड़ा सा बुझा बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड लेने के बाद क्या करना है, इसमें हमें पानी मिलाना है, जल को, नॉर्मल तो पानी बोलते हैं लेकिन साइंस की भाषा में क्या बोला जाता है, जल। और जल को एकदम से नहीं मिलाना है, कैसे मिलाना है, थोड़ा थोड़ा ड्रॉप ड्रॉप करके मिलाना है। मिलाने के बाद जब आप बीकर को बाहर से टच करेंगे तो बीकर के ताप में क्या होगा, परिवर्तन होगा, वहाँ पे हमारा बीकर क्या हो जाएगा, गर्म। यानी कि जब आप कैल्शियम ऑक्साइड में धीरे धीरे जल को मिलाएंगे तो आपका बीकर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होने का मतलब यहाँ पे क्या उत्पन्न हुई है, ऊष्मा उत्पन्न हुई है। तो देखो क्या होता है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और साथ ही साथ बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा देता है। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना, और ऊपर क्या लिखा था, तथा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझे हुए चूने की किसके साथ क्रिया हुई है, जल के साथ, H2O के साथ क्रिया हुई है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, बुझा हुआ चूना। बिना बुझे हुए चूने की जब जल के साथ क्रिया होगी तो क्या मिलेगा, बिना बुझा हुआ, सॉरी, बुझा हुआ चूना, जिसका फॉर्मूला क्या है, CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, ऊष्मा। तो यहाँ पर अभी आप ऊष्मा को दिमाग में बैठा लीजिए, इस ऊष्मा के कंफ्यूजन को हम बाद में क्लियर करेंगे। अभी केवल यहाँ पर क्या हुआ, दो चीजें मिली, क्या क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड मिला और क्या मिला, जल मिला। तो दो चीजें जब आपस में मिल गई तो दो चीजें आपस में मिलकर क्या कर रही हैं, एक नई चीज का निर्माण, दो चीज मिलकर एक नई चीज का निर्माण कर रही है। तो ये रिएक्शन याद रखिएगा, दो चीज मिलकर एक नई चीज का निर्माण कर रही है। तो देखिए जब कैल्शियम अभिक्रिया में क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको अपनी बुक में, आप अपने बुक को ओपन करी होगी आपने, तो अब बुक में क्या करेंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे, इस लाइन को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे इस लाइन को, क्योंकि यही हमारी क्या है, संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा। ठीक है, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या आप बोल सकते हैं दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, एकल यानी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी, देखिए सबसे पहले हमने पढ़ी, एक सेकेंड, कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी, 2 Mg + O2। तो कितने अभिकारक हैं, तीर से पहले वाले अभिकारक कहलाते हैं। तो ये एक अभिकारक हो गया, ये हमारा दूसरा अभिकारक हो गया। तो इन दोनों ने क्या किया, संयोग किया, संयोजन अभिक्रिया, नाम से ही पता चला, संयोजन यानी कि क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो दो अभिकारक के संयोग से क्या बना, एक उत्पाद बना, एकल, एक यानी एकल उत्पाद बना, क्या बना, मैग्नीशियम
ऑक्साइड। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? अभी इसके उदाहरण और देखेंगे चैप्टर में, जब लास्ट में क्वेश्चन आएगा तब भी मैं आपको सिंपल सिंपल उदाहरण लिखवाऊंगी, ताकि आपको पेपर में, पेपर के लिए कम से कम संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, हर अभिक्रिया के तीन तीन चार चार उदाहरण याद रहें, ताकि आप पेपर में कम से कम दो उदाहरण पूछे जाते हैं तो आप दो उदाहरण को आराम से लिख सकें। देखिए, अब एक पॉइंट दे रखा है कि आप जानते हैं कि ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। जब आपने चूना शब्द पढ़ा होगा तो चूना, चूने से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा चूना है जिससे हमारे घरों में पुताई यानी कि पेंट किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बुझा हुआ चूना है जिसका सूत्र क्या है? Ca(OH)2। ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। और यहाँ पर दिया भी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से, बहुत धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली सी परत बना देता है। सफेदी करने के बाद, जब दीवार में पुताई होने के 3-4 दिन बाद देखा जाता है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करी तो दीवारों पे क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट बन गया जिससे दीवारों पर क्या आ जाती है? चमक। जिस दिन पुताई होगी आप देखना आपके घरों में, उस दिन शाइनिंग नहीं दिखेगी, लेकिन 3-4 दिन बाद वही दीवारें आपको कैसी दिखेंगी? चमकती हुई नजर आएंगी। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट है। तो आपको ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 दिख रहा है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है पेपर में। संगमरमर पत्थर का सूत्र पूछा जाता है, जिसका सूत्र क्या है? CaCO3, जो थर्ड चैप्टर में हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, संगमरमर के बारे में। तो संगमरमर का पत्थर आपने देखा है, आगरा वगैरह आप गए होंगे, वहाँ पत्थरों में आपने एक अलग से साइनिंग देखी होगी। तो वो कौन सा पत्थर होता है? संगमरमर का, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो यही हुआ, क्या बोला कि देखिए क्या हुआ, जब आपने पुताई कर दी भाई, दीवारों पे चूना लगा दिया, चूने का सूत्र CaOH(2), तो ये क्या करेगा? वायु में आसपास क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 सबको पता होगा। तो ये करने के बाद क्या होगा, क्या बनेगा आपका? संगमरमर का सूत्र यानी कि CaCO3। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बनेगा? एक जल भी आपको क्या होगा? प्राप्त होगा। तो ये किसका सूत्र है? कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। और जनरली नाम इसका क्या हो गया? संगमरमर का सूत्र। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण, तो ये उदाहरण भी किसका हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया, तो 1 मिनट, देखिए आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरणों पे हम चर्चा करें। नंबर 1 देखिए क्या है, कोयले का दहन। जब कोयले को जलाया जाता है तो देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, रिएक्शन। कार्बन कौन से फॉर्म में है? ऐसे यानी कि सॉलिड फॉर्म में है। किसके साथ क्रिया हो रही है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जा रहा है? इसका दहन किया जा रहा है। तो आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी सिंपल रिएक्शन है, आप बहुत आसानी से इस रिएक्शन को याद कर सकते हैं। तो अभी तक आपने संयोजन अभिक्रिया की 3 रिएक्शन देख ली। एक तो देखिए कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही है तो हमको क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी एक रिएक्शन, 2Mg+O2 क्या बना? 2MgO, ठीक हो गया। दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन अभी अभी हमने पढ़ी, बिना बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम ऑक्साइड की किसके साथ क्रिया? जल के साथ क्रिया करने पर क्या मिलेगा? CaOH(2)।
ठीक है, तो ये क्या हो गई, तीसरी रिएक्शन हो गई संयोजन अभिक्रिया की। तो ये तीन तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, सिंपल है एकदम। उसके बाद चौथी देखिए, हाइड्रोजन की किसके साथ क्रिया हुई है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुई है, तो किसका निर्माण हुआ है, जल का। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल एक ऐसे सूत्र हैं जो छोटे छोटे बच्चों को भी आते हैं, तो आप तो 10th क्लास के बच्चे हैं, आपको बहुत अच्छे से आता होगा। तो देखिए क्या हुआ, जल की हुई है 2H2 किसके साथ, O2 के साथ, तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, 2H2O, जल का निर्माण हो गया। यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 दूनी 4, और यहाँ पे भी देखिए 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पे O के साथ आगे क्या है, 2 है, तो ऑक्सीजन भी क्या है, 2। तो ये एक संतुलित अभिक्रिया भी है, और साथ ही साथ कौन सी अभिक्रिया है, हमारी चौथे नंबर पे संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम आसानी से पेपर के लिए याद रख सकते हैं। क्या बन गया, 2H2O, एल लिखा है, यानी कि एल लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म में था, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में था, जब दोनों की आपस में क्रिया हुई तो हमें कौन सा फॉर्म मिल गया, लिक्विड फॉर्म मिल गया। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि आप यहाँ पे कुछ शब्दों को चेंज कर सकते हो, आप या तो पदार्थ बोल दो, या आप तत्व बोल दो, या आप यौगिक बोल दो, या आप अभिकारक बोल दो। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई है, इससे अभिक्रिया मिश्रण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो जब बताया था कि जब कैल्शियम ऑक्साइड में आप धीरे धीरे जल मिला रहे हैं, तो जल मिलाने के बाद जब आप बीकर को टच करेंगे तो बीकर क्या हो जाएगा, गर्म। तो मैंने क्या कहा था, वहां पे ऊष्मा शब्द को दिमाग में बैठाइए, आगे आपको उसके बारे में बताएंगे। तो बीकर क्या हो गया, गर्म। बीकर गर्म होने का क्या मतलब है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाया गया तो वहां पे क्या उत्पन्न हुई है, ऊष्मा। ऊष्मा उत्पन्न हुई, ऊष्मा यानी ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसके कारण बीकर बाहर से क्या हो गया, गर्म हो गया। तो यानी कि यहाँ पे एक अभिक्रिया चल रही थी, नॉर्मल सी अभिक्रिया चल रही थी। कौन सी अभिक्रिया चल रही थी, कैल्शियम ऑक्साइड की आपने अभिक्रिया कर दी जल के साथ। तो जब जल के साथ अभिक्रिया हुई तो हमें मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भाई ठीक है। लेकिन साथ ही साथ हमें क्या मिली, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी मिल गई। तो जिस अभिक्रिया में नए उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी मिलती है, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ उस अभिक्रिया में हमें क्या मिले, ऊष्मा भी मिले, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो हाईलाइट कर लीजिए बुक में इस लाइन को, कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो पहले भी बता चुकी हूँ, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है ऊष्मा क्षेपी। पेपर में देखिए, एक तो संयोजन नियोजन विस्थापन द्विविस्थापन अलग से आ जाता है। कई बार एक क्वेश्चन आता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, दोनों के दो दो उदाहरण दे के बताइए। एक नहीं, कितने उदाहरण पूछ सकता है, दो दो। तो एक उदाहरण तो देखिए हमारा यही हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड के जल के साथ, और हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ ऊर्जा मिल गई, ठीक है। अब दूसरी अभिक्रिया देखिए किसकी, तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अन्य उदाहरण, नंबर 1 प्राकृतिक गैस का दहन, नंबर 1 नहीं, नंबर 1 आपको पहले बता दिया, ये वाली अभिक्रिया हमारी कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इस रिएक्शन को याद रखना, क्योंकि आपको कम से कम कितनी रिएक्शन याद करनी है, दो। दूसरा हो गया, जब मिथेन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुई है, CH4 क्या है, मिथेन। मिथेन की किसके साथ अभिक्रिया हुई है,
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुई है तो हमको यहाँ पे क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। और क्या मिला है, जल के, जल नहीं, देखिए यहाँ जी लिखा है, जी यानी गैस फॉर्म में, तो ये क्या होगा, भाप होगा। और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमें क्या मिली है, ऊर्जा मिली है। तो ये अभिक्रिया भी कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, जब मिथेन CH4, मिथेन का सूत्र होता है, फोर्थ चैप्टर में आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे मिथेन एथेन के बारे में। किसके साथ अभिक्रिया हुई है हमारी, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुई, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला +2H2O। और साथ ही साथ क्या मिल गई हमें, ऊर्जा लिख दो या ऊष्मा लिख दो, ठीक है। अब आप चेक करिए क्या यह अभिक्रिया संतुलित है, देखिए कितने कार्बन है, एक कार्बन अभिकारक में, उत्पाद में भी एक कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, चार, यहाँ पे चेक करिए 2 × 2 = 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 × 2 = 4, और यहाँ पर 2 + 2, यहाँ पर 4। तो अभिक्रिया कैसी है, संतुलित है। और कौन सी अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि हमारा सांस लेना, हमारा, हमारी जो श्वसन प्रक्रिया है वो कैसी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, हमारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और हम कैसे हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। लेकिन हमें सभी काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, भोजन से। भोजन क्रिया के समय, जब पाचन क्रिया के समय, जब पाचन क्रिया होती है तो जो खाद्य पदार्थ है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे कि चावल, आलू, ब्रेड, जब हम खा रहे हैं तो वो जब हमारे पेट में जा रहे हैं, पेट में जाने के बाद क्या होगा, उसका पाचन होगा, तो उसमें से क्या होगा, प्रोटीन अलग होगा, वसा अलग हो जाएगी, विटामिन्स अलग हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाएगा। तो चावल, आलू, ब्रेड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होगा। तो यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट होता है चावल, आलू, ब्रेड में। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, जब टूटेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और ग्लूकोज में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें क्या प्रदान करता है, ऊर्जा। तो क्या रिएक्शन निकली, ग्लूकोज की किसके साथ अभिक्रिया हुई, ऑक्सीजन के साथ। देखिए दो वर्ड पे ध्यान दीजिए, ग्लूकोज की हमारी कोशिकाओं में जो उपस्थित ऑक्सीजन है उसके साथ क्रिया हुई तो हमें क्या मिल गई, ऊर्जा। ऊर्जा मिलने से इसका मतलब है ये कौन, हमारा श्वसन यानी हमारे सांस लेने की प्रक्रिया कौन सी अभिक्रिया बन गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन हम चैप्टर 6 में करेंगे। तो देखिए ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। तो ग्लूकोज की किसके साथ अभिक्रिया हुई है, ग्लूकोज की किसके साथ अभिक्रिया हुई, ऑक्सीजन के साथ, 6O2 के साथ। तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मिला, जल, और साथ ही साथ हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या मिली, ऊर्जा। इसका मतलब क्या है, श्वसन हमारी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। साग सब्जियों का विघटित होगा कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो आपने देखा होगा कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, कंपोस्ट खाद बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो साग सब्जियों के छिलके, बचा हुआ अपशिष्ट होता है उसको क्या किया जाता है, विघटित किया जाता है। उसके विघटित होने के बाद, या जैसे गोबर को भी विघटित होने के लिए छोड़ दिया जाता है, विघटित होने के बाद क्या बनती है, कंपोस्ट बनती है, कंपोस्ट यानी खाद बनती है। तो वो खाद बनना भी कौन सी प्रोसेस है, हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। पैन कहाँ गई, कहाँ गया, सॉरी, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। चलिए सभी देखिए, अब आ गई हमारी दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आ गया,
वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन के नाम से तो नहीं पढ़ेंगे आप, वियोजन नाम से ही आप पढ़ेंगे। तो क्या करना है, एक शुष्क क्वथन नली लेनी है। शुष्क क्वथन नली यानी कि एक परख नली लेनी है। देखिए परख नली का शेप यहाँ डायग्राम में बनाया हुआ है, जिसका केमिस्ट्री लैब में सबसे ज्यादा उपयोग होता है। और इसके हाथ में जो येल्लो येल्लो है, ये येल्लो येल्लो क्या है हमारा, एक परख नली पकड़ने का होल्डर। क्या होता है, होल्डर, परख नली पकड़ने का होल्डर होता है, जिसके द्वारा परख नली को पकड़ा जाता है। परख नली कभी भी हाथ से नहीं पकड़ी जाती, हमेशा होल्डर से, क्योंकि जब हम उसके अंदर केमिकल डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो गर्म होने से हमारे हाथ जलने का क्या होता है, खतरा होता है। तो देखिए परख नली का अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ठीक है, डायग्राम अच्छा नहीं बना, आप अच्छे से बना लेंगे पेन से, लैपटॉप पे इतना अच्छा नहीं बन रहा है। तो देखिए क्या करना है, परख नली, ठीक है, समझ में आ गया। तो डायग्राम समझिए कि एक लड़की है जो केमिस्ट्री लैब में क्या कर रही है, प्रैक्टिकल कर रही है, जिसके हाथ में परख नली है। परख नली उसने किससे पकड़ी हुई है, होल्डर से पकड़ी हुई है। अब सबसे पहले क्रियाकलाप देखते हैं, फिर डायग्राम देखेंगे कि एक क्वथन नली यानी परख नली में उसने 2 ग्राम फेरा सल्फेट लिया। बच्चों देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये नाम आपके लिए थोड़े से नए और थोड़े से कठिन होंगे, जैसे फेरा सल्फेट हो गया, या आप अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़ रहे हैं, सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं। तो 9th क्लास में आपने 3rd चैप्टर में देखा है कि किस तरह एक यौगिक का निर्माण होता है। दो चीज़ें मिली, जैसे सोडियम मिला, क्लोरीन मिली, मिला, दोनों ने आपस में मिलके क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह फेरस सल्फेट भी कैसे बनेगा, आयरन से, सल्फर से, ऑक्सीजन से। यानी कि इसके बारे में आप धीरे धीरे स्टडी करेंगे। तो ये जो नाम आने पर आप कंफ्यूज मत होना कि अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, या तो इस बारे में आप क्या करेंगे, धीरे धीरे स्टडी करेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि फेरस सल्फेट क्या है, या अमोनियम क्लोराइड क्या है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये कैसे बन रहा है। थोड़ी थोड़ी रिएक्शन से आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छे से पढ़ने के लिए आपको साइंस को बहुत अच्छे तरीके से और थोड़ा सा और क्लासेस में भी स्टडी करनी पड़ेगी। तो सिंपल क्या करना है, एक परख नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग को पहले देख लीजिए कि किस कलर का है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्प्रिट लैम्प के थ्रू, स्प्रिट लैम्प मैंने आपको पहले भी बताई है, देखिए दूसरा से ये होता है स्प्रिट लैम्प का, एक आपने पहले देखा था फर्स्ट लेक्चर में, अब यहाँ पे देखिए स्प्रिट लैम्प कैसे बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, परख नली में फेरस सल्फेट लेने के बाद स्प्रिट लैम्प के थ्रू इसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद आप देखेंगे कि फेरस सल्फेट का कलर कैसा हो गया, ठीक है। तो डायग्राम में लड़की है, लड़की ने क्या कर रखा है, परख नली को होल्डर से पकड़ा है, स्प्रिट लैम्प से गर्म कर रही है, नीचे क्या हो गया, बर्नर हो गया। अब उसके पास क्वथन नली है यानी परख नली है, परख नली के अंदर यहाँ पे क्या है, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है। और हमेशा क्या करना चाहिए, परख नली का जो ऊपर का खुला सिरा है उसे खुद से और अपने साथ वाले बच्चों से हमेशा दूर रखना चाहिए, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसी गैसेस निकलती हैं जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं हमारे लिए भी, हमारे साथियों के लिए भी, और कई बार कुछ ज्वाला जैसी भी निकल जाती है। और क्या करना है कि जब परख नली में से जो स्मेल निकलती है, तो थोड़ा सा ही परख नली को अपने तरफ घुमा के स्मेल हमें देखनी चाहिए, सूंघनी चाहिए, पूरी परख नली को अपने नाक के पास नहीं लेके आना चाहिए। तो देखिए सिंपल, यहाँ पे परख नली में फेरस सल्फेट लिया, उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद यहाँ पे कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है कि आप क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट का कलर कैसा हो गया, हरे रंग में बदल गया। पहले कलर कुछ और था, और जब हमने उसको क्या किया, हीट किया, हीट करने के बाद कलर किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्रीन। फेरस सल्फेट पहले लाइट ग्रीन कलर का होता है, और जब उसको गर्म किया जाता है तो वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, डार्क ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब आप उसको क्या करेंगे, सूंघेंगे, तो एक अलग सी ही स्मेल आएगी, जो स्मेल आपने वैसे जनरली नहीं सूंघी है, वो सूंघेंगे तो एक अलग सी, एक विशिष्ट टाइप की आपको क्या आएगी, गंध यानी कि स्मेल आएगी। तो देखिए फेरस सल्फेट को क्या किया, अब यहाँ पे भी एक उष्मा शब्द है, इस उष्मा शब्द पर
इसके बाद ध्यान देंगे, ठीक है? देखिए, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला 2FeSO4, 2FeSO4 यानी आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन से बना है फेरस सल्फेट। हमने इसको क्या किया, गर्म किया। गर्म करने का मतलब हमने क्या दे दी, इसको ऊष्मा दे दी। ऊष्मा देने के बाद यहाँ पे क्या बना, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। किसका सूत्र है, फेरिक ऑक्साइड का। साथ ही साथ क्या बना, सल्फर डाई ऑक्साइड। टू है तो टू के लिए यूज करते हैं डाई, सल्फर डाई ऑक्साइड। अब उसके बाद बना SO3, थ्री है, थ्री के लिए होता है ट्राई, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। देखिए यही बना। फेरस सल्फेट को जब गर्म किया, गर्म करने का मतलब हमने ऊष्मा दी, ऊष्मा देने के बाद ये किस में बदल गया, फेरिक ऑक्साइड में। उसके बाद सल्फर डाई ऑक्साइड, टू है, टू यानी कि डाई ऑक्साइड। और तीसरा बना सल्फर ट्राई ऑक्साइड, थ्री है, थ्री के लिए ट्राई ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान दीजिए कि एक अभिकारक, यहाँ पे अभिकारक कितने हैं, केवल एक। अभी तक आपने जितनी रिएक्शन देखी उसमें दो अभिकारक थे। अब यहाँ पे आपने पहली रिएक्शन देखी 10th क्लास में जिसमें एक अभिकारक है, और ये एक अभिकारक कितने उत्पादों में टूट गया, 1, 2 और 3। यानी कि एक अभिकारक जब दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नाम से ही वियोजन, यानी कि वियोग होना, अलग अलग होना। तो एक अभिकारक का दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाना, ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो हाईलाइट कर लीजिए अपने बुक में, इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। तो आप सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैं बोल रही हूँ आप लिख लीजिएगा, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O का क्रिस्टल क्या करता है, जल त्याग देता है। भाई गर्म करने पर जो उसका पानी होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, त्याग देगा, खत्म हो जाएगा, और क्रिस्टल का रंग क्या होता है, बदल जाता है। इसके उपरांत हमें क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या है, Fe2O3। और साथ ही साथ क्या मिलेगा, सल्फर डाई ऑक्साइड, और साथ ही साथ सल्फर ट्राई ऑक्साइड में भी, मतलब सल्फर ट्राई ऑक्साइड भी मिलेगा। यानी कि क्या हो गया, वियोजित हो गया तीन में। फेरिक ऑक्साइड एक ठोस है, जबकि सल्फर डाई ऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड क्या है, गैस है। देखिए यहाँ पे S लिखा है, S यानी कि ठोस है, और G यानी कि ये दोनों क्या है, गैस फॉर्म में। तो संयोजन वियोजन समझ में आ गया। संयोजन में क्या हो रहा है, एक पॉइंट, दो पॉइंट, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, हमारा एक चीज बना रहे हैं। और वियोजन अभिक्रिया में एक है, और ये एक किस में टूट जा रहा है, दो में टूट जा रहा है, और ये दो से अधिक तीन में भी टूट सकता है, चार में भी टूट सकता है। तो संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, और वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ अनेक पदार्थों में टूट जाता है। देखिए अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, जो यहाँ पर हमने पढ़ा, ऊष्मा शब्द, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गई। अब इससे पहले हमने ऊष्मा छेपी कि अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, हमें मिल रही थी, बीकर क्या हो रहा था, बाहर से गर्म हो जा रहा था, यानी कि ऊष्मा हमें मिल रही थी, तो वो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया थी। लेकिन इस अभिक्रिया में हमें ऊष्मा देनी पड़ी है, ऊष्मा हमें मिली नहीं है। देखिए यहाँ पे प्लस करके ऊष्मा नहीं लिखी है, यानी कि ऊष्मा हमें नहीं मिली है, बल्कि एरो के ऊपर ऊष्मा है, यानी कि ऊष्मा हमने दी है। तो जब हम ऊष्मा को देते हैं किसी अभिक्रिया को, तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, यानी जिसमें अभिकारक क्या करते हैं, ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। ऊष्मा को अवशोषित करने के बाद नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। बहुत
शब्द में अंतर कम है समझने के लिए, ऊष्मा छेपी यानी ऊष्मा हमें मिल रही है तब ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, और जब हम ऊष्मा को दे रहे हैं, अभिक्रिया ऊष्मा को क्या कर रही है, अवशोषित कर रही है, ऐसी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का भी उदाहरण हो गया और साथ ही साथ ये वियोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण हो गया। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। यानी कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, गरम करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि अभी जो हमने संगमरमर का सूत्र पढ़ा उसको जब हम गरम करेंगे तो वो टूट जाएगा, और टूटने के बाद देखिए ये है कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये किस में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड यानी बुझा हुआ चूने में, और कार्बन डाइऑक्साइड दो में टूट गया, यानी कि एक अभिकारक कितने में टूट गया, दो उत्पाद में टूट गया। ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक अभिकारक दो उत्पादों में टूट गया, ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ है, अपने आप थोड़ी टूटा संगमरमर का पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट, अपने आप नहीं टूटा है, इसको हमने क्या किया है, ऊष्मा दी है, हमने दी और इसने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। हमने बाहर से ऊष्मा दी, कैल्शियम कार्बोनेट ने उसको क्या किया, ऊष्मा को अवशोषित कर लिया, उसके बाद हमें नया पदार्थ मिला। तो यहाँ पे अवशोषित हुआ है यानी कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है जो आप थर्ड चैप्टर में भी पढ़ेंगे, और इस अभिक्रिया का उपयोग देखिए विभिन्न उद्योगों में यानी जो कारखाने हैं वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसके अनेक उपयोग हैं जैसे सीमेंट बनाना, कैल्शियम ऑक्साइड यानी बुझे हुए चूने से क्या बनाया जाता है, सीमेंट। तो थर्ड चैप्टर में आएगा कैल्शियम बुझे हुए चूने का उपयोग बताइए, तो वहाँ पे एक उपयोग क्या हो जाएगा, सीमेंट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को उसमें वियोजन कहते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पेज में यह अभिक्रिया आप याद करिएगा। ठीक है, क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा दी आपने, ऊष्मा इसने क्या कर ली, अवशोषित कर ली, ऊष्मा अवशोषित करने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। फिर एक परख नली लेनी है, परख नली में हमें क्या मिलाना है, लेड नाइट्रेट मिलाना है। लेड नाइट्रेट मिलाने के बाद हमें देखना है कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ है। तो क्या होगा, हम देखेंगे कि इसमें से एक धुआं निकलेगा जो डायग्राम में भी हमें दिख रहा है, भूरे रंग का धुआं निकलते हुए। ठीक है, जब लेड नाइट्रेट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो ऊष्मा देने पर इसमें से क्या निकलेगा, एक धुआं निकलेगा जिसका कलर कैसा होगा, ब्राउन कलर का। आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है, यानी कौन सा धुआं है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार है, तो क्या होता है देखिए, यह अभिक्रिया दी है 2PbNO3 का होल 2, किसका सूत्र है ये, लेड नाइट्रेट, पीबी क्या होता है, लेड। ठीक है, लेड नाइट्रेट को क्या करेंगे, जब हम गर्म करेंगे यानी ऊष्मा देंगे तो ये किस में टूट जाएगा, लेड ऑक्साइड में टूटेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटेगा, और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो एक बार हम लिखते हैं अपने हाथों से, 2PbNO3 होल 2, ऊष्मा दी हमने, तापन लिख दो या ऊष्मा लिख दो, ऊष्मा दी हमने, ये किस में टूट गया, लेड ऑक्साइड में टूट गया, 4NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट गया, और साथ ही साथ हमें क्या मिली, ऑक्सीजन भी मिली। तो ये कौन सी अभिक्रिया है बताइए, संयोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, सोच लिया कौन सी है, वियोजन, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक अभिकारक किस में टूट गया है, दो या दो से तीन यानी कि तीन अभिकारक तीन उत्पादों में टूट गया है, एक अभिकारक तीन उत्पादों में टूट गया है, इसीलिए ये वियोजन अभिक्रिया है। साथ ही साथ इस अभिक्रिया ने क्या लिए, ऊष्मा भी लिए, ऊष्मा अवशोषित करी तभी वो तीन चीजों में टूटा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। ये छोड़ दीजिए, काम की चीज नहीं है।
अब एक चाइना डिश लेनी है। चाइना डिश वही आपको क्या बताया था, वॉच ग्लास। कैसा होता है वॉच ग्लास? सिर्फ कांच का ऐसा होगा, छोटी सी, जो ये डायग्राम में दिया है। वॉच ग्लास में हमें, इसको चाइना डिश भी बोलते हैं, इसमें हमें क्या लेना है, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है। सिल्वर क्लोराइड रखने के बाद इसको धूप में रख देना है। धूप में रखने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, एक ग्रे कलर बन जाएगा। ठीक है, केवल क्या करना है, एक वॉच ग्लास में सिल्वर क्लोराइड को रखना है। कहाँ पे, धूप में। अब धूप में क्या होती है, ऊर्जा यानी ऊष्मा। तो सिल्वर क्लोराइड क्या करेगा, उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा, सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा को अवशोषित करेगा। और देखिए क्या होगा, यहाँ पे कलर चेंज होगा, और प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड किस में बदल गया, सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो गया। तो यानी कि 2AgCl किस किस में टूट गया, 2Ag में और Cl2 में टूट गया। तो कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, और साथ ही साथ ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को इसने क्या किया, अवशोषित किया। ठीक, ऐसी अभिक्रिया होती है सिल्वर ब्रोमाइड की, AgBr की। AgBr भी किस में टूट जाएगा, Ag में और Br2 में। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, एक अभिकारक किस में टूटा, दो उत्पादों में, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ये वियोजन अभिक्रिया, और साथ ही साथ सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर रहा है, यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकर्मों के टूटने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो बुक में हाईलाइट कर लीजिए, यही बात मैं आपको तब से बता रही थी कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा ली जाती है, दी नहीं, ली जाती है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक एक्टिविटी है, क्या बोल रखा है, एक परख नली में 2 ग्राम हमें बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड लेने के बाद इसमें हमें क्या करना है, अमोनियम क्लोराइड को मिलाना है। बेरियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम क्लोराइड को मिलाएंगे। अब कांच की पतली सी छड़ होती है, पतली सी वायर टाइप की होगी जो हार्ड होगी, उसको मिलाने के बाद क्या करना है, परख नली को नीचे से टच करके देखना है। टच करने के बाद हमें बताना है कि हम कैसा महसूस करते हैं, और महसूस करने के पर ही हमें निष्कर्ष निकालना है कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया या ऊष्मा शोषी। क्या होगा कि जब दोनों को मिलाने के बाद हम परख नली को टच करेंगे तो परख नली नीचे से ठंडी हो जाएगी, गर्म नहीं हो रही, गर्म होती है यानी कि ऊष्मा उत्पन्न हुई है, तब वो कौन सी अभिक्रिया होती, ऊष्मा क्षेपी होती। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, ऊष्मा उत्पन्न नहीं हुई है बल्कि वो ठंडी हो गई है। ठंडी होने का मतलब है कि अभिक्रिया ने क्या कर लिया, जितनी भी ऊष्मा थी उसको अवशोषित कर लिया। अवशोषित करने का मतलब है कि वो कौन सी अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, डन है। तो 2 चीजें आज हमने पढ़ी, दो नहीं, हमने आज 4 चीजें पढ़ी। कौन कौन सी, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और एक ऊष्मा शोषी। और चारों के चारों कैसे हैं, इम्पॉर्टेंट है, तो चारों आपको आने चाहिए विद एग्जाम्पल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।